हेलो एवरीबॉडी, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2020 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को JNVST के सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि तीन टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला टाइप जो मैंने बताया था वो था मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट। सेकेंड टाइप में मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक टेस्ट। एंड थर्ड टाइम में मैंने बताया था कि लैंग्वेज टेस्ट पूछा जाता है, लैंग्वेज टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चंस होते हैं मैट के, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैट के सिलेबस के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पर टॉपिक 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला जो टॉपिक है ऑड वन आउट, सेकेंड है फिगर मैचिंग, थर्ड है पैटर्न कंप्लीशन, फोर्थ है फिगर सीरीज कंप्लीशन, फिफ्थ है एनालॉजी, सिक्स्थ है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, सेवेंथ मिरर इमेज, एट्थ फोल्डिंग अनफोल्डिंग, नाइन्थ स्पेस विजुअलाइजेशन, टेन एम्बेडेड फिगर। अब इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ऑड वन आउट में 4 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, जिसमें से 3 किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और चौथा डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो उसे ढूंढ के निकालना पड़ता है। जो अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। सेकंड है फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग में 1 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और उसमें से एग्जैक्ट मैच ढूंढना होता है कि कौन सा एग्जैक्ट मैच ऑप्शन में से होगा। थर्ड पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। पैटर्न कंप्लीशन जैसे इस तरह के फिगर दे दिया गया होता है, इस तरह का फिगर दे दिया गया होता है, किसी तरह से इस तरह से दे दिया और एक बॉक्स जो है खाली छोड़ दिया हुआ होता है, खाली कि इसमें क्या होगा, तो वही ऑप्शन में से ढूंढ के हमको आंसर करना होता है। फोर्थ है फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसमें सीरीज कंप्लीट करना पड़ता है, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं और चौथा फाइंड आउट करना होता है। जैसे इस तरह से सेकेंड हो गया हमारा, ये कर दिया इस तरह से, थर्ड हो गया हमारा माइनस, ये इंक्रीज कर दिया, और फोर्थ क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा वो ढूंढना होता है। ऑब्वियसली ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कोई साइन हो जाएगा, तो वही हमको ढूंढना पड़ेगा कि क्या है। एनालॉजी, एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसे इसमें 3 फिगर दिया हुआ रहता है, फर्स्ट फिगर और सेकेंड फिगर जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सेम चीज़ थर्ड फिगर फोर्थ फिगर से सेम रिलेशन होगा, वो रिलेशन ढूंढ के थर्ड फिगर दिया हुआ रहेगा और फोर्थ फिगर से सेम रिलेटेड ढूंढना पड़ता है ऑप्शन में से कि कौन सा फिगर थर्ड से संबंधित है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड से संबंधित है। सिक्स्थ है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, जैसे इस तरह से कोई भी फिगर कोई भी आकृति दे दिया गया होता है और इसमें कंप्लीट करना होता है कि जो हमारा जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, ऑप्शन में से ढूंढना पड़ता है। सेवन मिरर इमेज दिया हुआ रहता है, यहाँ पे कोई फिगर बना हुआ रहता है, तो इसमें से बताना पड़ता है कि ऑप्शन में से ढूंढना पड़ता है कि इसका जो मिरर बनेगा, इस फिगर का जो मिरर बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, वो किस तरह से बनेगा। ऑप्शन 4 दिए हुए रहते हैं, उसमें से एक को फाइंड आउट करना है। फोल्डिंग अनफोल्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, क्योंकि इसमें से कोई पेज है, कोई पेज को इस तरह से फोल्ड कर दिया गया, फिर सेकेंड टाइम इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया गया, थर्ड में भी इसको छोटा करके फोल्ड कर दिया गया और कहीं पे जो है क्रॉस कर दिया गया, काट दिया गया या कोई भी सर्किल टाइप से कर दिया गया। तो फोर्थ फिगर में हमें ढूंढने के लिए कहता है, कहा जाता है कि इसी पेज को खोलने के बाद किस तरह से वो फिगर बनेगा, किस तरह का वो पेज दिखेगा, वो फाइंड आउट करना होता है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन में फिगर दिया हुआ रहता है, फिगर एक दूसरे से सेपरेट होता है, अलग अलग फिगर दिया हुआ रहता है, इस तरह से फिगर दिया हुआ रहता है,
वन ही फिगर दिया हुआ रहता है और चार ऑप्शंस होते हैं। चार ऑप्शंस में से हमें ढूंढना पड़ता है कि इस फिगर को अगर हम सटा दें एक दूसरे से तो कौन सा फिगर बनेगा। तो फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ऐसा ध्यान से हम लोग ढूंढ सकते हैं। एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर में एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और चार ऑप्शन में से ढूंढना पड़ता है कि क्वेश्चन का जो फिगर है वो चारों में से किसमें मिल रहा है। जैसे इस तरह से दे दिया एक फिगर और ऑप्शन चार दे दिया, ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है कि ये जो फिगर है किस ऑप्शन में आता है, ये हमें वहाँ पे ढूंढना पड़ता है। मैट के बाद अब हम लोग आ जाते हैं अरिथमेटिक के सिलेबस पे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अरिथमेटिक से 15 टॉपिक को टच किया हुआ रहता है और 15 टॉपिक से 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें पहला है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या प्रणाली और संख्या से क्वेश्चंस होते हैं। फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, इसका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फ्रैक्शनल नंबर एंड इट्स ऑपरेशन, फ्रैक्शनल नंबर भिन्न संख्या और इसके जो जोड़ घटाव गुना भाग हैं उससे क्वेश्चंस होंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज, जो गुणज और गुणनखंड है उससे क्वेश्चंस होंगे और उसके प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन होंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन होंगे। डेसिमल्स एंड इट्स ऑपरेशन, दशमलव और दशमलव के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनसे क्वेश्चंस होंगे। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एट में है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी एंड टाइम, इन सभी के यूनिट के बारे में हम लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, दूरी, समय और स्पीड से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। अप्रोक्सीमेशंस ऑफ एक्सप्रेशन, 11 है सिंप्लीफिकेशन, 12 है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो परसेंटेज अच्छे से पढ़ेंगे, प्रतिशत का चैप्टर। 13 है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से भी क्वेश्चंस होते हैं, इसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होता है। 14 सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको आराम से कर सकते हैं। 15 है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, ये हमारा मेंसुरेशन का एक चैप्टर हो गया। क्वेश्चंस होते हैं ये 15 टॉपिक को अगर हम डील कर लेते हैं तो हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब आते हैं लैंग्वेज टेस्ट के सिलेबस में। इसका कोई सिलेबस नहीं है, चार पैसेज दिए हुए रहते हैं और चारों पैसेज में से 5-5 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं और पैसेज को पढ़कर ही उन 5ों क्वेश्चन का जवाब देना होता है। अगर इंग्लिश में है तो उससे एक आध क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित भी हो सकता है, वर्ड से संबंधित हो सकता है, उसका मीनिंग जो होता है उससे संबंधित हो सकता है, और हिंदी में भी उसी तरह से क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के इसको पढ़ के ही जवाब ऑन द स्पॉट देना पड़ता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आशा करता हूँ कि सभी को सिलेबस समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कुछ डाउट्स है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।